हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पांड्या स्टोर के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, अपकमिंग प्रोमो के बारे में। जैसा कि प्रोमो में दिखाया गया कि शिवा जो है वो पैसे निकालता रहता है, बट गौमी जो है उसको पकड़ लेता है और मतलब उसे पैसे नहीं लेने देता है। तभी वहां पे देव भी है, वो भी कहता है मतलब इन लोग जोर दे रहे हैं धरा और गौमी के कमरा बनने के ऊपर, बट गौमी ने साफ साफ मना कर दिया है। वो बिल्कुल भी उन पैसों को छूने नहीं देगा उसे, उन दोनों को। अब इन लोगों के लिए एक बड़ा टास्क हो गया है, मतलब देव और शिवा के लिए, कि कमरा आखिर बनाए तो बनाए कैसे जब गौमी तो हमें पैसे देने के लिए रेडी ही नहीं है। मतलब आप लोगों को आगे के एपिसोड में सभी लोग काम करते हुए नजर आएंगे, मतलब सीमेंट उठाते हुए, पत्थर मतलब वो क्या बोलते हैं, ईंट लगाते हुए, और मतलब खुद ही अपने हाथों से धरा और गौमी के लिए प्यारा सा कमरा तैयार करते हुए सारे के सारे लोग जुड़ जाने वाले हैं उसमें। और ये सारा ये जो सीन है, ये धरा जो है वो देख के काफी ज्यादा इमोशनल होने वाली है कि मतलब उसके देवर जिनके लिए उसने इतना कुछ किया, आज वो उनके लिए उसके लिए एक मतलब कमरा तैयार करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। सभी लोग जुट के काम कर रहे हैं, इसमें रिशिता भी मतलब हेल्प कर रही है, वो भी पीछे नहीं है जितना उससे हो सकता है। रावी भी हेल्प कर रही है, सभी लोग मिलके कर रहे हैं। तो वहीं पे सुमन काकी बोलती हुई नजर आएगी कि देख देख धरा, तेरे देवर तेरे लिए क्या कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि तू ही उनसे प्यार करती है, तेरे देवर भी तुझसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस टाइप का सीक्वेंस हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। धरा के लिए काफी इमोशनल मूवमेंट है कि उसके देवर मतलब सभी लोग मिलके उसके लिए, उसके बच्चे जिनको वो अपने बच्चे मानती है, सभी लोग मिलके उसके लिए प्यार से कमरा तैयार कर रहे हैं। फाइनली बहुत प्यारा सा एक कमरा रेडी होगा इन दोनों का। मतलब दोनों सभी लोग देख के इम्प्रेस हो जाएंगे काफी ज्यादा कि हम मतलब उन लोग खुद भी सोचेंगे कि हमने इतना अच्छा कमरा बनाया है। तो मतलब इस टाइप का सीक्वेंस अब आप लोगों को आगे के एपिसोड में कल परसों में देखने को मिलेगा, जहां पे गौमी मना कर देगा तो इन लोग डिसाइड करेंगे कि हम ही बनाएंगे। और हम मतलब भाभी का कमरा तो बनकर ही रहेगा क्योंकि उन लोगों ने भाभी की कसम खाई है। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि मतलब कसम तो बिल्कुल टूटने नहीं देंगे। सो कमरा तो बनेगा और बनाएंगे इन लोग ही मिलकर आपस में, मतलब एक दूसरे के साथ, और रात भर दिन रात काम करके इन लोग बनाने वाले हैं कमरा। मतलब काफी अच्छे अच्छे इसके बीच में आप लोगों को शिवी के भी कुछ अच्छे मूवमेंट, जहां पे शिवा और रावी एक दूसरे से टकराते हुए नजर आएंगे, तो काफी अच्छा मूवमेंट रहेगा देखने के लिए आप लोगों के लिए। और एक फैमिली एक दूसरे के लिए किस तरीके से खड़े रहते हैं, हमेशा एक दूसरे की जरूरतों को समझ के बिना बोले भी मतलब पूरी करने की पूरी कोशिश करते हैं, एक प्यारा सा बॉन्ड एक फैमिली के बीच का बॉन्ड देखने को मिलेगा। मतलब मुझे काफी अच्छा लगता है इन भाइयों के बीच का प्यार देख के, जो कि आज की रियल लाइफ में कहीं खो गया है। बट या मतलब अगर ऐसा हो कि एक परिवार में सभी लोग एक दूसरे को समझे और एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहे तो कितना अच्छा होगा। फ्रेंड्स, मतलब कल आज के प्रोमो से मुझे यही समझ में आया। अगर आप लोगों के मन में कोई दूसरा कोई सवाल हो, आप लोगों को कुछ और लगता हो कि दी ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है, सो प्लीज मुझे कमेंट करिए, मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करूंगी। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, या फिर आपके किसी प्यारे से कमेंट के साथ। तो दोस्तों, और मतलब मुझे जो लोग भी फर्स्ट कमेंट करते हैं उनको बहुत 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 थैंक यू मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और मतलब मेरे सारे ही सब्सक्राइबर्स देखते हैं, सो थैंक यू यार मुझे इतना प्यार देने के लिए। मैं रियली दिल से मतलब बहुत ज्यादा खुश होती हूँ आप लोगों का ये प्यार देख के। तो दोस्तों, चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब, और थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।